इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना वायरस का दहशत झेल रही है। इस भयानक वायरस ने लगभग 70 देशों में अपना आतंक मचा रखा है। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। इतना ही नहीं, अभी तक किसी भी देश के पास इस वायरस का पुख्ता इलाज नहीं है। कोरोना के इस आतंक से पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी एक वायरस ने दुनिया में काफी तहलका मचाया है। इस वायरस का नाम था इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे आप लोग स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जानते होंगे। नमस्कार, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम आपको बताते हैं इस वायरस के द्वारा की गई तबाही के कुछ डराने वाले आंकड़े। दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति की जिंदगी पर हुआ था इस वायरस का असर। दुनिया भर में यह महामारी बनी थी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का काल। एड्स से जितने लोग 24 साल में मरे, उतने स्पेनिश फ्लू से 24 हफ्ते में मारे गए थे। मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसे आप निराला के नाम से भी जानते हैं, ने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा था, मैं दलमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था, जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी है। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो 15 साल का था और मेरी एक साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। मेरे परिवार के और भी कई सदस्य थे जो हमेशा के लिए जा रहे थे। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। पलक झपकते ही मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। निराला का परिवार ही नहीं, भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी भी लाखों लोगों की तरह इस जानलेवा बीमारी स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए थे। गांधी के पुत्र वधु गुलाब और पोती शांति की मौत भी इसी बीमारी से हुई थी। अगर गांधी इस बीमारी से ठीक न हुए होते तो शायद भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास दूसरे ही ढंग से लिखा जाता। 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुए थे। इस युद्ध में करीब 2 करोड़ लोग मारे गए थे। पूरी दुनिया युद्ध के परिणामों से उभर ही रही थी कि स्पेनिश फ्लू के भयानक संकट ने घेर लिया। इस वायरस के शुरुआती मामले मार्च 1918 में सामने आए और देखते ही देखते यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू नाम से जाने जाने वाली इस महामारी की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छोटे और भीड़ वाले बंकरों से हुई थी। यह वायरस बंकरों के आसपास गंदगी की वजह से पनपा था, जिसके बाद यह बीमारी सैनिकों में फैली और फिर सैनिकों के साथ उनके देशों में भी। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू से 5 से 10 करोड़ के बीच लोग मारे गए थे। इस बीमारी ने करीब 2 साल तक कहर मचा रखा था। हालांकि कुछ देश इस बीमारी से बच गए थे। उनके बचने की प्रमुख वजह हवाई यात्रा थी। दरअसल स्पेनिश फ्लू जब फैला था तब दुनिया में हवाई यात्रा बहुत महंगी थी। अमीर लोग ही इसकी सेवा ले पाते थे। यह बड़ी वजह थी उस समय दुनिया के कई देश इस बीमारी के प्रकोप से बच गए थे। स्पेनिश फ्लू वायरस के नाम के पीछे भी एक कहानी थी। दरअसल जब यह वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा था तो ज्यादातर देश इसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज्यादातर देशों का मानना था कि इस खबर से सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा, साथ ही वे अपने दुश्मनों की नजर में कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन स्पेन ने इस बीमारी को छिपाया नहीं, इसीलिए लोगों ने इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया था। स्पेनिश फ्लू ने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ली थी। यह वायरस उस वक्त की 1.7% आबादी निकल चुका था। इस वायरस के चलते 1 करोड़ से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। अगर दोनों महामारियों की तुलना करें तो कोरोना वायरस जहां पहले चरण में ही नजर आ रहा है, स्पेनिश फ्लू एक ही साल में 3 चरणों में लोगों की जान लेता रहा। स्पेनिश फ्लू का दूसरा और तीसरा दौर पहले के मुकाबले ज्यादा घातक रहा। अगर ऐसा ही कोरोना वायरस के साथ भी हुआ तो हमें उन गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए जो स्पेनिश फ्लू के वक्त दुनिया ने की थी। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू ने साबित किया था कि वैश्विक महामारी नामक दुश्मन एक बार में खत्म नहीं होता, बल्कि फिर आता है। 1918 के बसंत काल में शुरू हुई स्पेनिश फ्लू महामारी को देखकर लग रहा था कि सितंबर तक प्रकोप खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी दूसरा और सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। पहले दौर के बाद 3 महीने तक बहुत कम मामले आए, लेकिन फिर अचानक में तेजी आ गई और कई जाने गई। भारत में बम्बई के रास्ते स्पेनिश फ्लू ने प्रवेश किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तेजी से फैलने के बाद इस वायरस ने उत्तर और पूर्व में सबसे ज्यादा दंडक मचाया। देश में 10 से 25 लाख लोग इस गंभीर फ्लू से प्रभावित हुए। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में इस बीमारी से मरने वालों में भारत का 5वां हिस्सा था। बाद में असम में इस गंभीर फ्लू को लेकर एक इंजेक्शन तैयार किया गया, जिससे कथित तौर पर
हजारों मरीजों का टीकाकरण किया गया, जिसकी वजह से इस बीमारी को रोकने में कुछ कामयाबी मिली। आइए अब आपको बताते हैं वो हिस्सा जो सोचने में ही इतना भयावह है पर अब सच होता हुआ दिख रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है। स्पेनिश फ्लू के समय भारत की विकास दर -10.5 हो गई थी। महंगाई ने अचानक तूल पकड़ लिया था। प्रोडक्शन में कमी की वजह से सामानों की कीमत 100 से 1000 गुना तक बढ़ गई थी। अमेरिका और यूरोप जैसे जगहों पर बड़ी कंपनियों को ताला लग गया था। भारत में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। लेबर रेट बढ़ने की वजह से महंगाई दर बेकाबू हो गई थी। अगर सतर्कता नहीं बरती गई और वैक्सीन नहीं आई तो कोरोना को स्पेनिश फ्लू में बदलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि स्पेनिश फ्लू का भयानक प्रकोप दूसरे और तीसरे दौर में देखा गया था और अब हम भी उसी दौर में प्रवेश कर रहे हैं।